सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में, और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क प्राइमल फियर एंड मिथिकल वर्ल्ड का। सो गाइस, आर्क प्राइमल फियर के पिछले एपिसोड में आप लोग ने देखा होगा कि हमने जो है ना गाइस, यहाँ पे मैक्सिमम सारे के सारे जो मिथिकल डायनोस थे उनको यहाँ पे टेम कर लिया है, और अभी ये जो हमारी सीरीज है इसका द एंड करने का टाइम आ चुका है। एक या दो दिन में जो है ना गाइस, हम लोग इस सीरीज का द एंड करने वाले। वैसे आज मैं यहाँ पे क्या करने वाला बताया कि आज जो भी एपिसोड आएंगे उसमें मैं जो है ना गाइस, जो फाइनल बॉस है हमारा पिकॉन रिवेंज, उसको मारने के लिए किसी एक सिंगल डायनो का जुगाड़ करने वाला। वैसे अगर देखा जाए तो मैं किसी डायनो की आर्मी को लेके नहीं जा सकता गाइस उस पिकॉन रिवेंज को मारने के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा मैं डायनोस यहाँ पे लेके जाऊंगा उतने ज्यादा ही जो है ना गाइस वो डायनोस सेम टू सेम कॉपी करके वहां पे डालेगा। सो वो हमारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि पिकॉन रिवेंज अकेला मारेगा चल जाएगा, बट साथ में उसके अगर आर्मी आ जाते हैं वो भी हमने टेम करी हुई आर्मी जो कि गाइस हाई लेवल की होगी, जो कि वो कॉपी करके हमारे अगेंस्ट ही गाइस पेस्ट कर देगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देगा। सो इसलिए जो है ना गाइस मैं एक ही डायनो को लेके जाऊंगा ताकि वो एक ही डायनो को कॉपी कर सके। और गाइस वो डायनो कौन सा होगा वो आपको आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। वैसे आज का जो एपिसोड है, ये शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको गेमिंग विद डैडी के चैनल की और हमारे ब्लॉगिंग चैनल की, से दोनों चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। और आपको मैं एक और बात गाइस यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन अनलॉक है, तो गाइस अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए थैंक्स के बटन पे क्लिक करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। और आने की चैनल पे 100 डेज इन माइनक्राफ्ट ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वाली वीडियो आज या फिर कल आने वाली है, तो वो भी जरूर देखना, काफी ज्यादा ओपी वीडियो होने वाली है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, करते आज के एपिसोड की शुरुआत बिना किसी देरी के। और आज मैं क्या करने वाला पता है, देख रुक जाओ, मैं आपको बता नहीं देता हूं, मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूं। आपको पता होगा कि हमने बेसिक बॉस एंड गाइज अल्फा एक बॉस टेम करा था, और आपको मैं बता दूं गाइज यहाँ पे अल्फा बॉस और बेसिक वाला जो बॉस है ना गाइज, वो हमने इसलिए टेम करा था ताकि हम लोग क्योस वाला जो बॉस है ना उसको भाई टेम करने लायक जो अंडे है ना गाइज वो इकट्ठा कर सके। तो इन लोग ने अंडे जो है ना गाइज वो यहाँ पे दे दिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखना गाइज। और बेस की अखिया भाई कुछ ज्यादा ही पॉटी चॉटी जो है ना गाइज वो यहाँ पे भाई ऐड हो चुके। रुको भाई, मुझे पता नहीं था कि इस वाले इसमें इतने ज्यादा अंडे ऐड हो गए हैं। रुक जाओ, इसका पूप भाई मैंने जो ना गाइस वो स्टॉप ही नहीं करा है, मैं स्टॉप कर देता हूँ। हाँ ठीक है, सो ये देखना गाइस। अरे यार अभी इसमें तो बॉस सर्च करना पड़ेगा। ये देखो गाइस, बॉस वाले एक और अल्फा बॉस एक जो है ना गाइस वो हमारे पास आ चुके हैं। और अभी आज के इस एपिसोड में मैं एपिक्स वाले जो है ना गाइस, एपिक्स वाले बॉसेस उनको यहाँ पे टेम करने वाला हूँ। एंड उनसे जो है ना गाइस अगले एपिसोड में तुरंत ही अपन एपिक्स वाले एक का जुगाड़ कर लेंगे। टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा रुकना पड़ेगा मुझे, बट जैसे गाइस एपिक्स वाले एक आएंगे अपने पास वैसे ही हम लोग जो है ना गाइस हमारा आगे का काम चालू कर देंगे, जो कि है क्योस एंड स्पिरिट वाले बॉसेस को टेम करना। और सबसे पहले दो मैं सोच रहा हूँ डोडो रिपर को मैं टेम कर लूँ, क्योंकि डोडो रिपर काफ़ी ज़्यादा ओपी होती है एंड वो में भी मुझे ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर ले यहाँ पे। देखते चलो अभी तो फटाफट से हम लोग चलते हैं यहाँ पे। और एपेक्स वाला जो बॉस कीबल है ना, एपेक्स वाला बॉस कीबल बनाने के लिए मुझे भाई कुछ और यार चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। एपेक्स बॉस कीबल ये रहा, इसको बनाने के लिए मुझे एपेक्स कीबल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं एपेक्स वाले कीबल जो ना गाइस वो 20 बना लेता हूँ। एंड हम लोग जो ना गाइस क्या करते बताया क्या, अभी फटाफट से देखते हैं हम कि एपेक्स वाले कौन कौन से बॉसेज जो है ना गाइस वो यहाँ पे अवेलेबल है। मेरे हिसाब से तो एपेक्स वाली ब्रूड मदर ही अवेलेबल होगी, मैंने तो मैंटिकोर एपेक्स वाला या फिर ड्रैगन देखा नहीं, बट फिर भी एपेक्स वाला मैं देख लेता हूँ। ड्रैगन, एपेक्स ड्रैगन एक्चुअली में है तो इसको मैं टेम कर सकता हूँ, या फिर एपेक्स मैंटिकोर, एपेक्स वाला मैंटिकोर भी है भाई, इन लोग का लेवल जो है ना गाइस जो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला है। ठीक है, मैं एक काम कर लेता हूँ, और मैं जो ना गाइज यहाँ पे लोकेशन इसकी ले लेता हूँ एपेक्स मैंटिकोर की, जो कि है 3733 भाई। ठीक है, ये रही गाइज लोकेशन मैंटिकोर की। एंड एपेक्स वाला जो है ना गाइज एक और मैं डायनो टेम करना चाहूँगा, बॉस टेम करना चाहूँगा, वो रहेगा ड्रैगन। ठीक है, 9168। ठीक है चलो लेट्स गो, दो डायनोज को जो ना गाइज हम लोग टेम करके लेके आते हैं। और इनको टेम करने के लिए
अब मुझे शायद से भाई एक दो नहीं बहुत सारे भाई एपिक्स वाले जो है ना गाइज बॉस केबल की जरूरत पड़ने वाली है। मैं और जो है ना गाइज यहाँ पे 25 मोर यहाँ पे केबल बना लेता हूँ। ठीक है चलो लेट्स गो। अभी हम लोग फटाफट से जो है ना गाइज यहाँ पे चलते हैं डेजर्ट बायोम में, क्योंकि डेजर्ट बायोम में जो है ना गाइज मैंने देखा है कि एक बॉस जो है ना गाइज इनमें से डेजर्ट बायोम में, सो हम डेजर्ट बायोम में चलते हैं और वहाँ से जो है ना गाइज इस बॉस को टेम करके लेके आते हैं। हमको खाली गाइज यहाँ पे अंडे चाहिए इनके, और इनके अंडों के लिए जो है ना गाइज हम लोग अभी बस इनको टेम करने वाले। इनका डैमेज भी मैच हमारे किसी काम का नहीं है गाइज। ठीक है मैं थोड़ा गेम का आवाज़ भी कम कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि गेम का आवाज़ कुछ ज़्यादा ही लाउड आ रहा है गाइज। ओके अप्लाई सेम एंड हियर वी गो। चलो सो हमारी जो फर्स्ट लोकेशन है जिसमें मुझे ड्रैगन मिलेगा वो है 91 एंड 68, जो कि गाइज मुझे इन पहाड़ों के बीच में मिलने वाली है 91 68। ठीक है ये रहा गाइज 91 एंड 68। आराम से भाई हियर वी गो। यहाँ पे जैसे कि आप देख ही सकते हो कि हम लोग 91 पे पहुँच चुके और हमको पहुँचना है गाइज यहाँ पे 68 पे। ऑल राइट 66 67 68। ड्रैगन जमीन पे बैठा हुआ है यहाँ पे, मैंने देखा वो, देखो वो देख रहे हो जमीन पे बैठा हुआ है। इसके लिए मैं बियर का इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर वो उड़े ना तो। ठीक है उड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, बट अगर ज़मीन पे बैठा हुआ है तो मैं वहाँ पे बियर का इस्तेमाल कर सकता हूँ उसको। ठीक है और बियर जो है ना गाइस बियर का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो जो है ना गाइस वो डैमेज नहीं देता गाइस। वो फायर अटैक अगर मैं वो पॉइजन किंग अपने ड्रैगन उससे करता हूँ ना तो वो थोड़ा सा ना ब्लीडिंग अटैक देता है। उस ब्लीडिंग अटैक में ना 1 to 1 million हेल्थ जो है ना गाइस इजीली डाउन हो जाती है। इसलिए गाइस मैंने इससे जो है ना गाइस 500 लेवल के एपिक्स वाले ड्रैगन को नॉकआउट कर लिया है, और इसके लिए मुझे सिर्फ एक ही केबल चाहिए। मैं फटाफट चलता हूँ गाइस घर पे और एपिक्स बॉस केबल लेके हम लोग इसको टेम कर लेंगे। और यार ये मेल या फीमेल मैंने देखा नहीं, वैसे हमारे पास एपीएम का वाला पोशन है जिससे मैं जेंडर चेंज कर सकता हूँ। ओके चलो भाई फटाफट से अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे हमारे घर पे। भाई बॉस किलर डायनो की जो खोज है ना गाइस वो यहाँ पे अभी चालू हो चुकी है। मुझे एपिक्स वाला बॉस केबल जो है ना गाइस वो बना लेना है एक भाई। और यार एपिक्स वाले अंडे भाई अभी तक भाई अंडे नहीं सॉरी नॉर्मल केबल बने ही नहीं है। मैंने भाई इतने ज्यादा जल्दी नॉकआउट कर लिया क्या उस बॉस को, लग तो रहा है भाई। हियर वी गो एपिक्स बॉस केबल। ओके मैं उसको लेके आके यहीं पे खड़ा करने वाला हूँ गाइस। ठीक है मुझे ना उसका डैमेज देखना है ना और कोई चीज देखनी है, मुझे तो डायरेक्टली जो ना गाइस डोडो रिपर को टेम करना है। यहाँ पे डोडो रिपर को एक बार टेम कर लिया ना तो मुझे लग रहा है कि उस स्पिरिट में कोई तो एक डोडो रिपर ऐसी होगी जो उस बॉस की बैंड बजा सके। देखते चलो पहले तो इसके अंदर मैं केबल डाल देता हूँ एंड तुरंत ही टेम। गाइस तेरे भाई के पास फर्स्ट एपिक्स डायनो, एपिक्स डायनो नहीं बोल सकते, फर्स्ट एपिक्स बॉस आ चुका है जो कि है एपिक्स वाला ड्रैगन 700 लेवल का। अभी गाइस मुझे अगली लोकेशन पे जाना है और अगली लोकेशन रुक जाओ मुझे देखने दो कौन सी वाली है। यहाँ पे आज मुझे एक ओरिजिन भी है 37 33 बोले तो ब्लू ऑब्लिक पे अगर मैं जाऊँगा तो गाइस ईजिली मैं ब्लू ऑब्लिक से 37 33 पे रोडॉल्फ का इस्तेमाल करके जा सकता हूँ गाइस। ठीक है बट ये वाला मैंटीकोर है, मैंटीकोर भी अगर ज़मीन पे बैठा होगा तो हम बियर का इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं बैठा होगा तो हमको गाइस यहाँ पे ड्रैगन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और देखते चलो गाइस क्या होता है। ठीक है अभी तो फिलहाल के लिए हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे मार रहे टीपी। ओके मार दे टीपी 37 37 33। ऑल राइट भी को 33 सही है। ओके 37 33 37 33 मैं 34 पे हूँ। ठीक है ऑल राइट ओ ये रहा पक्का सूट है का और ये आसमान में उड़ रहा है भाई। इसके लिए तो 3 की बल चाहिए होंगे, बन जाएंगे वैसे कोई सीन नहीं है बन जाएंगे। मुझे जो है ना गाइस यहाँ पे ड्रैगन निकालना पड़ेगा डॉटर, ये रही गाइस ड्रैगन डॉटर जो है ना गाइस जिससे आराम से मैं इसको जो है ना गाइस यहाँ पे नॉकआउट कर सकता हूँ आसमान में। ठीक है हियर वी गो आजा भाई आजा आजा मैंटिकोस हो गया नॉकआउट। बस इसका भाई ये देखना हेल्थ देखना कितना खाया 10 मिलियन गया भाई 20 मिलियन हेल्थ जो है ना गाइस वो ऐसी छुट्टियों में गाइस उसका खा गया भाई हमारा ड्रैगन। बेहोश तो करता है गाइस लेकिन ये जो है ना गाइस ब्लीडिंग अटैक देता है यार। रुको मैं फटाफट से जो ना गाइस घर पे जाता हूँ और 3 केबल टोटल मुझे बना के लेके आने गाइस अगर मैं इसको टेम करना चाहता हूँ तो। और मैक्स लेवल का नहीं 50 लेवल कम है बट भाई बोल सकते हो भाई मैक्स लेवल का ही मिल चुका है हमको मैंटीकोर। और एपिक्स वाले मैंटीकोर से जो ना गाइस मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे बस इसके अंडे चाहिए। रुको मुझे जो ना गाइस बॉस वाले जो केबल है एपिक्स वाले 1 2
एंड 3 टोटल बना लेने, उसके बाद मैं क्योस बॉस की बल एंड स्पिरिट बॉस की बल बना सकता हूँ, जिससे मैं चुना गया क्योस वाला मेंटिकोर, क्योस वाला ड्रैगन, क्योस वाला डोडो वाइब्रन, स्पिरिट वाला डोडो वाइब्रन अगर होगा तो ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग तरह के बॉसेज जो ना गाइस वो टेम कर सकता हूँ। और अगर एक बॉस को मुझे हराना है तो उसके अगेंस्ट दूसरे बॉस को ही भिड़ाना पड़ेगा, तभी हमारे जीतने के चांसेस जो ना गाइस वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। चलो गाइस चलते हैं लास्ट लोकेशन पे। 3 कीबल मैंने यहाँ पे गाइस बना लिए, मुझे जाके बस मैंटिकोर के अंदर डाल देने 3 कीबल, और उसके बाद मुझे देखना है कि ये मेल है या फीमेल है गाइस। ठीक है रुको, जेंडर क्या है वैसे इस मैंटिकोर का, मैंने देखा नहीं। ओ लकीली गाइस हमको फीमेल ही भाई मैंटिकोर यहाँ पे मिला है। कोई तो साइड से आ रहा है, कोई तो साइड से आ रहा है, आई डोंट नो कौन है बट कोई तो है। कार्नो भाई, कार्नो सर जी, ओके ठीक है चलो भाई साहब, क्या लग रहा है ना मेरे भाई। चलो गाइस इसको क्रायो कर लेते और चलते सीधा हम लोग जो ना गाइस हमारे घर पे भाई, इजी पीजी ना मेरे भाई। बाय बाय कार्नो सर, 0 का डैमेज पड़ा है गाइस, मेरे पास इतना तगड़ा वाला आर्मर है ना कि डायरेक्टली 0 का डैमेज पड़ा, मुझे ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ा। ओ ग्राफिक अचानक से यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लो गई है क्या, लग तो रहा है मेरे को थोड़ी सी लो गई है ग्राफिक। मैं अभी बॉसेस को कहाँ पे स्पॉन करूँ, क्योंकि यहाँ पे तो रुक जाओ मैं अपोजिट साइड में स्पॉन कर लेता हूँ। ठीक है इसकी रेंज कितने तक है, अच्छा मैं इधर ही स्पॉन कर लेता हूँ, रुको यहाँ पे बॉसेस को स्पॉन कर लेता हूँ, क्योंकि उधर जो ना गाइस बॉसेस को रखने के लिए जगह नहीं है बिल्कुल भी। सोएरा एपेक्स वाला और ये वाला, अरे वो कहाँ चला गया, ये रहा एपेक्स वाला ड्रैगन जो है ना गाइस वो यहाँ पे फीमेल नहीं है, मेल है भाई। ठीक है लेकिन कोई ना, चलो ये रहा गाइस हमारा मैंटिकोर, मेरे जाने आने के लिए तो जगह है ना गाइस, ठीक है जाने आने के लिए जगह है। और भाई साहब क्या लग रहा है ना गाइस मैंटिकोर, वैसे मैं इसका सैडल नहीं बनाने वाला हूँ गाइस। ठीक है इसका डैमेज ना भाई 1 मिलियन से ज़्यादा नहीं जाएगा, गया तो भाई 2 मिलियन या 3 मिलियन, इससे ऊपर डैमेज नहीं जाएगा। सो इसका जो ना गाइस यहाँ पे डैमेज चेकआउट हमको नहीं करना है। ठीक है सो ये रहा गाइस हमारा मैंटिकोर, वो भी गाइस एपेक्स वाला, एंड अभी आ जाता है गाइस हमारा एपेक्स वाला ड्रैगन। ठीक है इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, एंड इस ड्रैगन को हम लोग खिला देंगे जेंडर चेंजिंग पोशन। एक बार जेंडर चेंजिंग पोशन खिलाया उसके बाद क्रायो करके मुझे वंस मोर उसको बाहर निकालना पड़ेगा, और ये रहा गाइस हमारा एपिक्स वाला ड्रैगन एंड एपिक्स वाला मैंटिकोर। तुम्हारे भाई ने गाइस दो दो नए बॉसेस को यहाँ पे टेम कर लिया है, बस अभी इनके अंडे जो है ना गाइस यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए मेरे हिसाब से कलेक्टर की रेंज उतनी ज़्यादा नहीं होगी। सो मैं फटाफट ना एक और कलेक्टर यहाँ पे बना लेता हूँ। सो ये रहा हमारा कलेक्टर, एंड हम लोग यहाँ पे बनाएंगे गैसोलिन। ठीक है सो गैसोलिन बनाने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास पड़ा हुआ है गाइस यहाँ पे, आ जाओ अभी ना फटाफट से कलेक्टर में। ये वाला कलेक्टर कहाँ पे लगा दूँ, इधर तो टॉयलेट है, टॉयलेट की साइड में लगा देता हूँ। चलो ठीक है टॉयलेट के साइड में ही जो ना गाइस कलेक्टर लगा देंगे लाइक दिस वाई। ठीक है एंड इसके अंदर डाल देता हूँ गैसोलिन और इसको कर लेते टर्न ऑन। चलो गाइस सो अभी अंडों का जुगाड़ जो ना गाइस वो होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है गाइस, क्योंकि अल्फा वाले अंडे काफ़ी ज़्यादा स्लोली मिलते हैं, नॉर्मल बॉस के अंडे जो ना गाइस वो थोड़े से फास्ट मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा स्लो एपेक्स वाले जो ना गाइस डायनोस के अंडे मिलते हैं। मैं एक बार जो है ना ट्राई करना चाहूँगा कि ये अंडे दे रहा है कि नहीं गाइस। ठीक है मुझे इसको ना एक माइंड वाइप खिलाने दो, वैसे मैंने एपेक्स वाले बॉसेस के ऊपर कभी भी ट्राई नहीं करा है। अच्छा माइंड वाइप खिलाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसका लेवल अप भी नहीं मैंने करा था। मैं इसको 50 जो है ना गाइज ये हीलिंग पोशन खिला देता हूँ। ठीक है 50 हीलिंग पोशन, ऑल राइट हियर वी गो 52 एंड हियर है। ठीक है मैं इसकी हेल्थ में थोड़े से पॉइंट डाल देता हूँ। रोर कर रहा है भाई, रोर कर रहा है। ठीक है इसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है। ए भाई तेरे को स्पिरिट बब नहीं मिल रहा है क्या, रुको ए भाई तू स्पिरिट बब क्यों नहीं दे रहा इन लोग को। भाई ग्रिफिन मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मेरा कौन सा डायनो यार इनको स्पिरिट बब दे रहा था, इस तरफ कोई तो एक डायनो ऐसा था जो स्पिरिट बब देने का काम कर रहा था कल, और सबको लग गए थे जुलाब। मैंने कल कौन सा स्पिरिट डायनो, स्पिरिट बी ना, बी को मैंने भाई अंदर रख दिया है। रुक जाओ भाई बी को बाहर निकालना पड़ेगा, जो बी है ना गाइस उसको मैंने यहाँ पे अंदर रख दिया था। स्पिरिट वाली बी जो है ना गाइस वो बब दे के सबको जो ना गाइस यहाँ पे जुलाब लगा रही थी भाई, और ये एक्चुअली में जो ना गाइस अंडों के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, इससे जो ना गाइस अंडे काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। सो स्पिरिट वाला बब दे दीजिए जी, हाँ दे रही है
दे रही है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, रुक जाओ इधर रख देता हूँ, हाँ क्योंकि वहाँ से तो मैं आना जाना करना पड़ेगा ना मुझे, इसलिए ठीक है। सो यस शाइन शाइन ब्रो, यस यस चमक रहे चमक रहे। बट इन लोग को, अरे बॉसेस को वो नहीं पड़ता है क्या? यहाँ तक दूर दूर तक वो पड़ रहा है, देखो ये देखो गाइज, ये देखना भाई यहाँ तक बफ आ रहा है जिसका। बट जो बॉसेस है उनको जो है ना गाइज ये वाला बफ नहीं लगता, मतलब मुझे जो है ना गाइज मैनुअली चेकआउट करना पड़ेगा कि ये एपिक्स वाले अंडे दे पाता है कि नहीं गाइज। ठीक है रुको, अब मैं ऐसे देखता हूँ ना, हाँ अंडा देगा तो ये पे गिरेगा ना, हाँ तो थोड़ा और ऊपर करके, हाँ लाइक दिस, ठीक है ताकि दिखाई दे आपको भी कि अंडा दे रहा है कि नहीं। ये गाइज हीलिंग पोशन वाली टिप्स, ओ इसको भी बफ मिलना चालू हो चुका है, ठीक है। बट भाई ये तो पॉटी भी नहीं कर रहा, मैं इसको ऐसे गाइस सीलिंग पोशन खिला रहा हूँ गाइस पॉटी करने का, भाई दूसरे वाले जो बॉसेस है वो आवाज़ भी करते हैं बट ये आवाज़ भी नहीं कर रहा। मतलब ये वाली टिप्स एंड ट्रिक जो ना गाइस इस वाले मैंटिकोर के ऊपर जो ना गाइस वर्क बिल्कुल भी नहीं करने वाली गाइस, ठीक है। और ये हमारा एपेक्स वाला मैंटिकोर हेल्थ, मेरे को ये मत बोलना कि मैंने 200 मिलियन इसकी हेल्थ कर दी। बीस क्यों ए भाई कितनी कर दी हेल्थ, कितनी कर दी 600, एक मिनट 800, ये भाई गाइज 1 बिलियन हेल्थ रहे, मजाक ना कर रहा हूँ देखना, मैक्स लेवल नहीं हुआ है अभी तक गाइज, मैक्स लेवल बिल्कुल भी नहीं हुआ है, मैंने इसके डैमेज में भी पॉइंट ज़्यादा डाले नहीं है, ठीक है। ये ले गाइज, ये मैंटिकोर एपेक्स वाला थोड़ा सा ओपी लग रहा है, 1 बिलियन हेल्थ हो जाएंगे भाई, लिख के ले लो 1 बिलियन हेल्थ भाई, देखना 1 बिलियन हेल्थ और 33,000। रुक जाओ गाइज, इसका सैडल बनाने के लिए मुझे कितने इसेंस चाहिए वो एक बार मैं देख लूँ, इसेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी बट ज़्यादा अगर इसेंस चाहिए होगे ना, सो देख दे चलो एपेक्स वाला मैंटिकोर ये रहा, ठीक है। एपेक्स वाले मैंटिकोर का सैडल बनाने के लिए 40 इसेंस चाहिए और मेरे पास 1000 इसेंस पड़े। वैसे ये इसेंस बॉस को जो ना बनाने के लिए और बॉस की किबल बनाने के लिए जो ना गाइज वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये ले चलो, मैंने इसको क्रायो करा था तो ये ग्लिच नहीं है गाइस, ठीक है। ये इसका ओरिजिनल हेल्थ है, रुको मुझे नहीं लग रहा है डैमेज ज़्यादा जाएगा, 8 लाख जैसे कि मैंने बोला था गाइस आपको, इसका डैमेज ज़्यादा नहीं जाता, इसलिए मैं मैंटिकोर को टेम करने की मतलब टेम नहीं करने वाला यार। 1 मिलियन मैक्स टू मैक्स जा रहा है, मैक्स टू मैक्स 1 मिलियन, उससे ज़्यादा नहीं। 1 मिलियन से मैंने जैसे कि बोला था मैक्स टू मैक्स आपका डैमेज जो है ना गाइस ये वाले एपेक्स वाले बॉसेस का 2 मिलियन तक जाएगा, उससे ऊपर डैमेज जो है ना गाइस वो जाने की जो ना उम्मीद भी नहीं करना कि इसका भाई इससे ऊपर डैमेज जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। चलो लेट्स गो गाइस, आ जाओ भाई मैंटिकोर, इसको जो है ना गाइस मैं यहाँ पे निकाल के रख देता हूँ बाहर ताकि ये हमको जो ना गाइस अंडे दे सके। बाकी गाइस अगले एपिसोड में अंडे आएंगे कि नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना गाइस टाइम तक यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा अंडों का। हाँ यहाँ पर थोड़ा पानी पे बैठा हुआ है लेकिन कोई ना, चलो चलता है, ठीक है। और रुक जाओ, टेक वाले सूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके ऊपर से नीचे उतरने के लिए, ठीक है। ओके डन डन आ डन डन इज द ओके, चलिए हो गया गाइस काम। तो भाई लोग आप बताना मुझे कि आपको गाइस हमारे मैंटिकोर और ड्रैगन सर जी कैसे लगे। वैसे गाइस इन लोगों को ना हमने बस खाली अंडों के लिए यहाँ पे टेम करा है और उम्मीद कर रहा हूँ कि 1-2 एपिसोड बाद हमारे पास अंडे आ जाए और उनका इस्तेमाल करके हम लोग क्योस या फिर स्पिरिट वाले जो बॉसेस है उनको टेम करने का काम चालू कर ले। तो अभी फिलहाल के लिए तो गाइस आज का एपिसोड आर्क सर्वाइवल इवोल का प्राइमल फियर एंड मिथिकल वर्ल्ड का ये पे खत्म होता है। मिलते सीधा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते सीधा अगले एपिसोड में। And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.